दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। कैथल के गांव जसवंती के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के विरोधी नारे लगाए। गौरतलब है कि गांव जसवंती में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। मृतक का नाम कृष्ण था और उसकी आयु 35 साल के करीब बताई जा रही है। माना जा रहा है कि कृष्ण की हत्या पैसों को लेकर की गई है। हत्या का आरोप मृतक की पत्नी और सालों सहित पत्नी के रिश्तेदारों पर लगाया गया है। मृतक का शव खून से लथपथ था और उस पर चोटों के निशान थे। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि कृष्ण को चोटें मारकर मारा गया है और इसमें कई लोगों का हाथ है और हत्या में उसकी पत्नी भी शामिल है। इन लोगों का कहना है कि कृष्ण ने अपनी जमीन बेच रखी थी और उसका पैसा अपने सालों और साडुओं को दे रखा था, लेकिन अब उन्होंने पैसों के लालच में उसकी हत्या कर दी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पुलिस आरोपियों के साथ नरमी बरत रही है और ये हम गांव वाले सहन नहीं करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो हम सड़क जाम करेंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सर, गांव जसवंती जिला कैथल में एक कृष्ण स्नोफ सिमरू नाम का लड़का था, उसका उसकी पत्नी उसके साडू सीसन गांव क्योड़क और उसके दो साले अनिल सुनील पानीपत निवासी, उन्होंने उसका बहुत ही बैरमी से कल कर दिया और उसके बाद जो सदर SHO है वो अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं कर रहे। सर, हम SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं, अगर उन्होंने कार्रवाई ना करी कोई तो हम जाम सड़कों में जाम लगाने को मजबूर होंगे। थाना सदर का जसवंती गांव पड़ता है, वहाँ पे एक मर्डर हो गया था। इनका आरोप है कि जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए लोग अपना जिसे लेके आए थे, और जहाँ तक मेरी जानकारी इसमें एक दो आदमी गिरफ्तार हो चुका है, जो बाकी रहता है वो भी कर ले जाए तब्तीस के बाद। कैथल से हरीश कुमार की विशेष रिपोर्ट।